नेहटी में भाजपा नेता गणेश दास को देखा जा रहा है, पार्टी को आगे ले जाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। हाल ही में इनके कार्यशैली से संतुष्ट आला अधिकारियों ने इन्हें जिला के सह सभापति की जिम्मेदारी से सम्मानित किया है। लेकिन इसी दरमियान देखा जा रहा चार है कि इलाके के अनेकों कार्यकर्ता तृणमूल में योगदान कर रहे हैं। मामला तब और गर्मा गया जब पार्टी के एक पुराने अधिकारी ने इस वजह से गणेश दास पर सवाल खड़ा कर दिया। जिला में अभी नया उपाध्यक्ष जी हुए हैं, उनके घर के सामने 300 लड़के ज्वाइन कर लिए, TMC ज्वाइन किए हैं, क्यों ज्वाइन किए हैं? देखिए इस पर गणेश दास की प्रतिक्रिया। हमारे साथ मौजूद है नई हट्टी के कद्दावर बीजेपी के नेता तथा नवनियुक्त भाजपा बैरकपुर जिला कमेटी के सह सभापति गणेश दास जी। आइए उनसे बात करेंगे। वर्तमान में कई एक मुद्दों पे कई एक बात उठ रही है जिसके ऊपर आज हम सीधे जवाब लेंगे गणेश दास जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है। बैरकपुर जिला में आप सह सभापति पद के आसीन हुए हैं, कई ऐसे मामले आ रहे हैं, आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप जैसे लोगों का तृणमूल से बीजेपी में आने के बाद और आपको पद मिल जाना लोगों में हताशा का कारण है, क्या बोलेंगे सर इस पर? लोगों को उत्साह है? उत्साह तो काम है, दुखी है कि हमको मिले इसके लिए रुक नहीं है, तो कह रही हम लोगों को बात क्यों दिया जाए। मैं बार बार बोला हूँ कि संयम रखें, सभी सम्मानित रहे। आप लोग क्या सर सबको लेकर के चलेंगे, जैसे पुराने कई साथी थे जो छूट गए इस बार या फिर उन्हें मौका कहीं किसी ना किसी कारण नहीं मिल पाया है, क्या आपको लगता है कि उन लोगों का अनुभव आप लोगों को जरूरत आने वाला समय में? बीजेपी सभी को अपना परिवार को जरूर मानता है, हमारा परिवार बीजेपी को होगा, तो यहाँ पर दूसरी बात नहीं, सभी को अपने परिवार के सदस्य को जरूर मानते हैं, सभी को सम्मानित सम्मानीय ढंग से रखते हैं। जैसे देखा गया है पिछले दिनों आपके ठीक ऑफिस के सामने या आपके कार्यालय के ठीक सामने में ऐसा आरोप लग रहा है कि 300 लोगों ने आपके कारण पार्टी छोड़कर दूसरे दल में चले गए, तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इस आरोप के साथ क्या बोलेंगे? लोगों को जरा झमका के हेड थाना दोषी सब इंस्पेक्टर सभी दास अजय ठाकुर ये लोग डायरेक्ट डायरेक्टर भाई दिखाए कि नहीं साथ में रहोगे तो नौकरी भी से हाथ होगी, उन लोगों को साथ लेकर जो डायरेक्ट पुलिस सिविल पुलिस का सरकारी नौकरी करता रहोगे वो कह ही नहीं सकते इस तरह, बहुत गलती किए हैं वो लोग, तृणमूल वाले लोग बच्चों को भविष्य तो निकाल डाल दिए हैं। मतलब वो लोग थे सर भाजपा के समर्थक थे या कार्यकर्ता थे? वो भाजपा थे अगर TMC आज हैं जैन कांग्रेस के अंदर, वो हिंदू है आगे दिन हिंदू रहे। सर आप साहब सर दो तीन लोगों के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ 300 लोगों की बात हो रही है, 300 तो थे ही नहीं, पर जान लीजिए 30 साल जिसने ज्वाइन किया है, जिसमें 30 साल का वोटर जो सभी नाम दिखा दे कि इन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया है, तो हम कल से बीजेपी करना छोड़ देंगे। आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? ज्वाइन का रजिस्टर हमारे पास है, हम फोटो लेकर रखे हुए हैं, हम हमसे वोट पर बात किया है मैक्सिमम लोग, मन तो हमारा इधर ही है, सारा रिपोर्ट हमारे पास है, और चैलेंज करेंगे जो ज्वाइन किया सभी लोगों का रिपोर्ट हमारे पास है, हम बता रहे हैं कि ये लोग बीजेपी नहीं कर रहे हैं, अरे TMC करने का है, ये लोग हिंदू है हिंदू कर रहे हैं। अभी बच्ची का के साथ एक अन्याय होता है, उसकी मौत हो जाती है, इस पर सर क्या बोलेंगे, क्या मामला है, क्या क्या आपको जानकारी है? देखिए हमारे पास जो जानकारी है आप तो बच्ची के साथ बहुत जघन्य अपराध हुआ है EP में, आश्चर्य है कि बंगाल में भी बात क्यों नहीं होती, EP में क्या हो रहा है भाई, बंगाल के गांव का अगर हिस्ट्री दिया जाए ना, जहाँ है वहीं की बात करो ना, इस पर बात कीजिए ना, ये बात नहीं करना चाहते हम, पायल गंज में क्या हुआ है, आलिया चलोड़ी में क्या हुआ है, ये सब बात छोड़ दीजिए महाराष्ट्र के लोगों पर, वहाँ के लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बंगाल में जो हो रहा है अगर यहाँ के पर देखा जाए आज भी बंगाल 4 बंगाल EP में डूब जाएगा। योगी जी को मैं नमन करता हूँ, गर्व से करता हूँ कि एक बार वो बेचारे किसी तरह से एक बार प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उसके बाद देश को कैसे सुधारा जा सकता है वो कर, जिस उद्देश्य से मैं योगी जी के विषय बोल रहा हूँ है इसमें दम, जितने एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको जिस भी तरीके से आने वाले समय में जिस तरह से उपकर रहे वो ममता ने एक को करके दिखाए, तो मटियापुर में गार्डन बीच में कांकीराड़ा खिचड़ी पूरा और मुस्लिम वाले भरे पड़े हैं, एक को उजाड़ के दिखाए तो घर
समय आ रहा है, इनका जवाब मिलेगा। जो आ रहा है यहाँ पर ये कर दो, जिहाद कर दो, जो यहाँ पर क्राइम करने आ रहे हैं लोग, वो लोग टेररिस्ट है, और टेररिस्ट का कोई जात न पात होता है, न टेररिस्ट होता है। मुर्शिदाबाद में हाल ही में एक घटना घटा था, मुर्शिदाबाद से कई 11-12 आतंकी पकड़े, जिसमें से एक आतंकी का तार जो संबंध मिला पाया गया है एनआईए के द्वारा पाकिस्तान से। सर क्या बोलेंगे इसमें? बोलना एक नहीं, सैकड़ों ऐसे, एक नहीं सैकड़ों वाली होने दीजिए, खोज होने दीजिए, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और जिस दिन यहाँ पर इलेक्शन का डंडवा बजेगा, राष्ट्रपति शासन का बिगुल बजेगा, कहाँ रहेगा लोग पता नहीं चलेगा, खोज कर नहीं मिलेगा। इस बार राष्ट्रपति शासन होकर ही इलेक्शन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जो भी लोग सोच रहे सोचने दीजिए, ये तो है कि लोकसभा में आर्मी से इलेक्शन होती है, पार्लियामेंट्री से, विधानसभा में पार्लियामेंट्री से होती है। इस बार एक अजीब तरीके का इलेक्शन होने वाला है जो कि नजीब रहेगा। इसमें क्या उम्मीद करते हैं, क्या रिजल्ट हो सकते हैं? रिजल्ट तो अब लोग तो बैठे हैं, खाली समय का इंतजार कर रहे हैं, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, समझ में आ जाएगा सत्ताधारी लोगों को कि क्या काम कहाँ है। अब मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, 300 लोग अगर यहाँ पर ज्वाइन किए हैं तो जो लोकसभा जो रिजल्ट था उसका डबल रिजल्ट यहाँ से होगा, समय का इंतजार करिए। तो हमने बात करने की कोशिश की गणेश दास से, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बंगाल में जिस तरीके से कानून की व्यवस्था है, बंगाल में जो न्यायिक व्यवस्था है, इस पे कहीं ना कहीं आम जनता, आम लोग जो है अपनी आस्था को खो रहे हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रपति शासन लागू करके ही चुनाव कराया जाएगा ताकि निष्पक्ष चुनाव हो, और निष्पक्ष चुनाव होने की स्थिति में भाजपा मजबूत स्थिति में पाया जाएगा, ऐसा ही कह रहे हैं गणेश दास। कैमरा पर्सन के साथ मैं राजीव गुप्ता, आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव, देखते रहिए, बने रहिए। फ्लैट बुकिंग चलते आज ही जोाजोग कर गीता कन्स्ट्रक्शन बी 10/249 नियर सेंट्रल पार्क कल्याणी, बुकिंग चलते कल्याणी B2/221 B2/312 काचरापाड़ा घटक रोड, सतीश नंदी रोड, लोक सिनेमा चांदमारी रोड, लिचुबागान सिराज मंडल रोड, टिकटिकी बाजार, मिलाननगर अगुरीपाड़ा, रजनी बाबू रोड, नीपेन सरकार रोड, आरपी स्कूल, नईहाटी 6 नम्बर गेट, विजयनगर, भाटपाड़ा, रूपश्री हल, हालीशहर, राजमहल हाउसिंग एस्टेट। आज ही फोन कर विस्तारित जान गीता कन्स्ट्रक्शन 6289063557 9831478795।